आज संडे है और मैं अपना दिन ऐसे ही नहीं खराब कर सकती। मन डाइवर्ट होना जरूरी है, तो इसीलिए अभी सबसे पहले तो आपको बताया मैं मन डाइवर्ट करने के लिए क्या करती हूँ। सबसे पहले निशा दीदी की इधर राउंड मार के आती हूँ कि हाँ निशा दीदी क्या चल रहा है, पूरा फ्रेश माइंड लेकर आ जाती हूँ, मतलब पॉजिटिविटी उठा कर ला लेती हूँ। ऐसा नहीं है, निगेटिविटी भी रहती है कभी कभी, तो वो लोग सो रहे होते हैं तो फिर मैं ही वहाँ पर जाकर खुद ही नींद में आ जाती हूँ, तो नहीं मैं पहले पॉजिटिविटी लेकर आती हूँ एंड देन देखते हैं क्या करूँ। ठीक है, बाय द वे जो लोग ये सोचते हैं स्पॉन्सर्ड वीडियो है जो वो लोग यूज़ नहीं करते प्रोडक्ट, इनको ये आया था एज अ पीआर आया था ना दीदी, तो एज अ पीआर आया था एंड ये अभी भी इस ऑयल को यूज़ करती है। स्पॉन्सर्ड नहीं था, पीआर था। क्यों दीदी? यहाँ पे मोटिवेशन लेने आई हूँ, यहाँ पे मैं पता है तुमको पॉजिटिविटी लेने आई हूँ। अरे दे दो दे दो दे दो कितना काम करता मेरा भाई। और लिटरली दिस लुक्स बहुत अच्छा। और कैन यू गेस, ये दोनों लुक मैंने अलग अलग आई शेडो पैलेट से किए हैं। जा बेटा, कैन यू गेस ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है? ये दोनों लुक अलग अलग आई शेडो पैलेट से मैंने क्रिएट किया है एंड लुक सो सिमिलर ना, पहली बार मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया है। एंड दिस लेंसेज फ्रॉम फ्रेश लुक और इसमें शेड है, पहली बार पहना ट्रू सफायर, ट्रू सफायर शेड है अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। नाउ आई एम हैविंग माय शिरकुरमा ले रही हूँ मैं, खा रही हूँ मैं अभी। और इतना प्यारा लुक आया है ना, और ये यूजुअली ऐसे लेंसेस पहनना मतलब यूजुअली मतलब स्किन पे सूट नहीं करते हैं, बट सूट कर गए हैं, मतलब लुक वाइज अच्छे लग रहे हैं। अदरवाइज रियल में तो मुझे पूछना पड़ेगा दो तीन लोगों से कि कैसे लग रहे हैं, पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ओवरऑल लुक। और ये येलो और ब्लू का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा जा रहा है। नाउ मैं पहले खा लेती हूँ एंड फिर मिलती हूँ। और वैसे मैं बता दूँ, जब मैंने आपको बोला था ना कि मैं अब शूट करूँगी, तब से मैं कम से कम 3 बजे बैठी हूँ, और तब मैंने बोला था सुबह 9-10 बजे बोला था आपको, इतना टाइम लिया मैंने पॉजिटिविटी लेने में। ठीक है, तो अभी मैं खा लेती हूँ। वो कुछ रील्स वगैरह वगैरह बना लिए हैं और बेस मेकअप पे भी मैंने वीडियो बनाया। अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ बेस मेकअप को अलग करने वाली हूँ कि, क्योंकि आई मेकअप के लिए तो स्पेशली मैं सोच रही हूँ अलग ही करूँ और बेस मेकअप के लिए अलग। सो होप सो कि मैं कर पाऊँ वो। और इवन पता है आज मेरा फेस इतना स्वेल लग रहा था ना, मतलब तुमको तो पता है मेरी आज हालत क्या थी, मेरी इच्छा नहीं थी, बट फिर भी मैंने 3 बजे अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और एक बार बैठ गई तो फिर तो मैं 3-4 वीडियो तो कर ही लेती हूँ, तो कम से कम 2 तो कर ही लूँ इतना पता है। तो अभी ड्रेस जमा दो ना कोई अच्छा सा, क्योंकि मेरे पास ना वेराइटी ऑफ ड्रेसेस नहीं है, तो मुझे लगते हैं मतलब है पर मैं पहनती नहीं हूँ, और वो लुक पे जाएंगे नहीं जाएंगे वो मेरे को वो सोचना पड़ता है। वेल ये तो बहुत ही सही लग रहा है, कंफर्टेबल तो है, पर तो आप लोगों को पता है ना मैं अभी थोड़ी न्यू यूज़र हूँ। और दीदी पता है आपको, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेंसेज का, वो वीडियो देख के काफ़ी लोगों ने खुद से भी ट्राई की है। अब पता है क्यों, मैं बताती हूँ। मैं भी जब किसी को फॉलो करती तो ऐसा होता जैसे रिलेट करते ना अपन, हाँ इसने की तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जब मेरे कुछ है सब्सक्राइबर्स तो उन लोगों ने रिलेट किए, जब सिमरन कर सकती हूँ यार मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि उन लोग को पता है कि रियल में मैंने सच में कभी पहनी नहीं। लिटरली मेरे को 2-3 लोगों ने मैसेज भी किया कि हमने पहना है करके, और हमने यानी आपका वीडियो देख के ट्राई किया करके, जो भी है एक्सपायर जैसा भी उनका एक्सपीरियंस था, पर उन्होंने लिटरली मेरा वीडियो देख के फर्स्ट टाइम, जैसे देखो मैं थी कि फर्स्ट टाइम करूँ कि नहीं करूँ, फर्स्ट टाइम आँखों को लेकर बहुत रिस्की लगता ना, पर लिटरली मेरा वीडियो देख के भी 2-3 लोगों ने भी किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। दीदी ने मेरे लिए ड्रेस ला के दिया है, दुपट्टा लेके भी करता है। ओ दी ठीक है, पर मेरे को मेरे साथ तुम बैठेंगी नहीं एक भी पल मतलब? अच्छा खाना बनाएंगे अभी, क्यों आवाज देना ना, हमने वो लोग आए हैं, वो फिश का जो प्रोग्राम उधर था। अच्छा वो इधर है क्या? ठीक है, पर ब्लू सूट नहीं करेंगे, मेरे को दूसरी लेंस पहनना पड़ेगा, दूसरे वाली लेंस पहनना पड़ेगा, ब्राउन हो गया क्योंकि ब्लू बहुत नहीं हो जाएगा, तो ब्लू को रिमूव करना पड़ेगा। एंड हाँ मैं अभी बता भी देती हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं क्या बोलते हैं इसको, सोल्यूशन जो है मैंने ये बायो ट्रू का सोल्यूशन लिया था और इसमें मेरी लेंस है, तो अभी मैं रिमूव करूँगी, तो अभी देखते हैं इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस देखते हैं। आराम से निकलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे खींचो ना नखुन तो वैसे तुम्हारे साथ। अब पाम पे लो, पाम पे हाँ, और थोड़ा सा कैसे भी लो, खाओ मैं
लगा दो फटाक से अच्छे से, मेरा मजाक उड़ा रहे थे उस वीडियो में, पर बेवकूफ मैंने तो बोला है ना, मेरे को पता ही नहीं करके सुखने बता, अब फेंकना बता, अब काम आएगा। सॉल्यूशन गिर रहा ना, 300 रुपए का लीना। टिकली तो देखो तुम्हारी कहाँ है। आंखों में बहुत पानी आ रहा है और इतनी फड़फड़ाती है, इतनी फड़फड़ाती है। आराम से बस ऊपर नहीं देखना, मैं कितनी बार आंख बंद करके कैसे लगेंगी, आंख बंद करते और फिर लगाते ऐसे करते, मेरे से दूसरी आंख में बहुत ही इजीली लग जाता। 2000 years later. जिंदा है, जिंदा है, आंखें हैं, आंखें। मैं बोली आंखें है तो सही ना, जिंदा हो गया, हो गया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस बस, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गर्ल। इधर वाली आंख, उधर वाली दीदी ने खुद लगाई है, बस इसका वीडियो नहीं खींचे अपन ने। ओह माय गॉड, कुछ नहीं होता, इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं है, तकलीफ नहीं, नहीं नहीं, तकलीफ की बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता, फर्स्ट एक्सपीरियंस वैसे ही रहता था, इतना भी मत रहो, मैं नहीं जा रही। एक्चुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता ही ऐसा है, और ऐसा ही लगता कि नहीं इसमें तकलीफ ज्यादा हुई, ऐसा होता है, मेरे साथ में भी हुआ था सेम। इधर वाली आँख में जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई की थी ना, बहुत टाइम लगा था और बहुत एकदम ऐसे कैसे तो लगा था, और ये आँख में ऐसे यू लग गई थी और मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं। तो 2000 years later मिलते हैं। Honestly speaking, I don't want to remove it, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बोल रही हूँ मैं तो अभी, पर निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे दूसरा शूट करना है। सब कर लिया ना मैंने, किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, कर लिया तो इसलिए मेरे को ये रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। अब फटाफट करती हूँ यार, अब इतना लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं। नाव एक बात है, नाव मैं फ्रेश हो गई हूँ एंड नेचुरल स्किन सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। आधा एक घंटे से ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं कुछ तो चाहिए, कुछ तो भी चाहिए, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी पीना चाहिए। नाव मैं पानी पी, मिक्स हो जाएगा, तो जो मैंने पहले पसारा निकाला है मैं उसको वापस अच्छे से रखूँगी, और जो जो मुझे चाहिए दूसरे लुक के लिए वो निकालूंगी। ब्लू कलर का ड्रेस है और ब्लू कलर के ड्रेस पे इस टाइप का ये गोल्डन वर्क है, ठीक है, बस इतना ही है नेक पे। तो मैं चाह रही थी कि इसके ऊपर में सिंपल हो, क्योंकि ऑलरेडी ब्लू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर मैं मतलब कंफ्यूज हो गई कि मैं सोच रही हूँ ब्लैक और गोल्डन, क्योंकि गोल्डन कलर का ये है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा स्मोकी आइज जिसमें ब्लैक और गोल्डन हल्का सा ब्लू भी। मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ और मेरे पास में ये शेड है, तो आई थिंक ये चले जाएंगे, पर मैं ऐसे थोड़ा इमेजिन कर लेती हूँ कि क्या करूँगी लुक। थोड़ा सा ब्लू यहाँ पे कर, ब्लू है कि इसमें ब्लू नहीं है, यहाँ पे ब्लू ना, यहाँ पे ब्राउन, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्राउन, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे पूरा गोल्डन, ऐसा कुछ करेंगे। अभी ठीक है, ये तो साफ कर लिया मैंने और जो चाहिए था वो निकाल के रख दिया। अब बारी आती है असली की। वैसे आपने देखा, अगर अपने आपको बिजी रखो ना, तो जो आपको लगता है ना ऐसे, जैसे मेरा सुबह, मैं बताऊँ क्या, मुझे 3 बज गया अपने आप को पॉजिटिव करने में कि हाँ मैं करूँगी सिंगर आज, कर उठ उठ, ऐसे दिनों में ऐसे ही होता है, पर फिर भी मैंने किया एंड अभी 5:30 बज गए हैं एंड मैं सेकेंड लुक की तैयारी करूँ, ठीक है। आई एम डन विथ माई दिस लुक, पर हेयर स्टाइल निशा दीदी करके देने वाली है, और सच बताओ बहुत प्यारा लग रहा है ये भी, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा बचपच लग रहा है, पर दीदी ने इतने प्यारे लाई है, तो ठीक है ये दीदी, तो अभी इनको वेट करना पड़ेगा। एंड अब मैं थक गई हूँ, परी क्या बोल रहा है, और वीडियो नहीं बना देते दीदी बाजी। अभी थक गई मैं, तो यही वीडियो को कंप्लीट करनी, क्या छुपा रहा है। तो बस अभी उनके घर में बनाऊंगी बिरयानी, और बिरयानी का लास्ट मतलब फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कैसी लगती है, ठीक है। कैसे कैसे कर रहे हैं ये मेरे साथ में,
और हमारे घर पे वहाँ गलता है इसलिए हमने वहाँ वो लगा है। गाइस मैं तैयार, मैं पूरी हो गई हूँ। ये मेरा फाइनल लुक है और वीडियो में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्योंकि इसके घर पे बिरयानी आ गई ना, इसके घर पे बिरयानी बनानी है मुझे। और ये कब से आधा एक घंटा हो गया है मेरे पास बैठी है, तो अब मेरे को फटाफट से ये सब रिमूव करना पड़ेगा। और तू जा मत, अभी मेरे को लेके चलते रहना। तो फटाफट से अच्छा लग रहा ना मेरा लुक, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इंजॉय भी नहीं करी, अपने आप को निहारी भी नहीं हूँ तेरे चक्कर में। एक तो पहले बताना चाहिए ना कि हाँ आज ये बनाना है, ये प्लान है। तो अब मैं फटाफट से ये करती हूँ एंड डबल चिन गायब। ओके गाइस, सो ये डे टू है जिसमें मैं एक सीरीज का काम कर रही हूँ। मैंने कल तेल वगैरह लगाया था बालों को, सीरीज पे काम कर रही हूँ एंड मुझे नहीं पता ये सीरीज चलेंगी या नहीं मेरी, और मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं। बट स्टिल मैं लिटरली मैंने इतना, मतलब देखो इसका लिख डाला है, तो अब मैं वही सोच रही हूँ कि ये सीरीज चलेंगी या नहीं। अब जो मैंने यहाँ पे पूरा कैरेक्टर्स लिखे हैं, इसको मेरे को पहले रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि ये कितने मिनट का जा रहा है, और उसके बाद में फिर जो स्टोरी लिखी है, मतलब मेरी स्टोरी ने, वो आपको सीरीज़ में देखने मिलेगा। तो मैंने जो स्टोरी लिखी है, फिर अब वो स्टोरी को मुझे पहले पूरा वॉइस ओवर करके देखना पड़ेगा कि वो कितने मिनट की ये स्टोरी जा रही है जो आधी है, क्योंकि पूरी स्टोरी लिखने बैठूँगी तो एक घंटा हो जाएगा। तो फिर अब मुझे ये स्टोरी को मैं रिकॉर्ड करूँगी एंड मैंने आधी स्टोरी लिखी है, तो अब उसको रिकॉर्ड करती हूँ, देखती हूँ वो कितना मिनट होता है। अगर 15 मिनट होगा, 15 मिनट से कम होगा तो ठीक है, या फिर मुझे हर, मतलब सीरीज़ में आधी आधी स्टोरी लेनी पड़ेगी। आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा मैं क्या करने वाली हूँ, और करूँगी नहीं करूँगी इसकी गारंटी नहीं है, पर देखती हूँ मैं, दिमाग लगाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ये है उसके घर तक पहुँचाना। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, परफेक्ट, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। ये भी राइट, ये वन है, ठीक है। वन प्लस वन कितना हुआ, मुँह से बोलो, टू। अरे वाह, इसको तो आता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक अंडे का, थोड़ा ही आता ना मुझे, अभी आना ना। वो अभी बड़ा हो गया ना, अब इसको काउंट कर, वन ये टू। नहीं होगा तो फिर बैंक जाना पड़ेगा। एंड इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूँगी, और मैं आज पूरा दिन भर इसी तेल में, तेल के साथ में रही हूँ और रहूँगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरा पूरा सर में तेल लगा रहे। खैर, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके, लगाओ तो लाइक कर दो, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं दिखाने को, जो है वो है। और आप लोग मेरे ब्लॉग्स मिस करते हो, आप मुझे नहीं पता क्या मिस करते हो, पर मिस करते हो, तो दैट इज़ वाई मैं कुछ शूट कर रही हूँ अभी। तो होप सो कि मैं कुछ अच्छा शूट करा करूँ। और या दिस इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा, और ये एक्चुअली मैं, ओके तो मैं ये क्यों लगा के बैठी हूँ, और मैंने लाइनर भी लगाया, काजल भी लगाया, और हाथ पे भी मैंने स्वॉच किया, इसलिए किया बिकॉज किसी ने मुझे रिकमेंड करने को कहा, और ये मेरे काजल ध्यान में था, बट फिर भी मैं एक फाइनल टेस्ट चाहती थी कि सच में है या नहीं अच्छा, और काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, तो अब मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।